नेस्ले नॉन प्रो वन इन्फेंट फॉर्मूला पाउडर, जिसको कि आप लोग फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ के बच्चे को पिला सकते हैं। नॉन प्रो वन जो है जो एक स्प्रेड ड्राइड इन्फेंट्स फॉर्मूला है, जिसके बीच में DHA और ARA जो है प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। इसको आप लोग जो हैं बर्थ से जो हैं बच्चे को पिला सकते हैं अप टू 6 मंथ तक। अगर मदर का मिल्क जो है वो सफिशेंट नहीं है, बच्चा जो है मां का दूध नहीं पीता है, तो उस दौरान आप लोग जो हैं इस नेस्ले नॉन प्रो वन इन्फेंट्स फॉर्मूला पाउडर को यूज कर सकते हैं। नॉन प्रो वन के बीच में DHA प्रेजेंट होता है, जो कि बेबी की नॉर्मल ब्रेन के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ में ही इसके विष में वे प्रोटीन जो है प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ही विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन और जिंक जो है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। नॉन प्रो वन के विष में L-reuteri-V प्रेजेंट होता है। L-reuteri एक प्रोबायोटिक है। जब आप लोग जो है नए पैकेट को खरीदते हैं, उसके बाद आप लोगों को इस पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर के बीच में ट्रांसफर कर देना है। जो लिड होगी उस कंटेनर की, तो उसको आप लोगों को जो है अच्छे से टाइटली बंद कर देना है जब भी आप लोग जो है इसको यूज़ करें उसके बाद, और कोल्ड ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जो है इसके ऊपर ना पड़े। जब आप लोग जो है इसके पैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो कोशिश करनी है कि विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर जो है जे पाउडर जो है ख़त्म हो जाए, तो वो जो है बेस्ट रहेगा। तो आप लोगों को जो है इस मिल्क पाउडर की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी बॉटल होगी, बाउल होगी, जो फिर स्कूप होगा, उसको भी अच्छे से स्टरलाइज कर लेना है। और जो वाटर आप लोग जो है इस पाउडर को तैयार करने के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है 5 मिनट तक, और फिर उसके बाद जो है उसको नॉर्मल होने देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट में जो है वाटर को मेज़र करना है बॉटल के विष में, और उसके विष में आप लोगों को फीडिंग टेबल को कंसल्ट करके जितने भी स्कूप वहाँ पर लिखे होंगे, तो उतने स्कूप जो हैं इस वाटर के विष में डाल देने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देना है, जो फिर आप लोग शेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग जो है इस मिल्क पाउडर को जब ये नॉर्मल होना चाहिए, इसको आप लोग एक बार चेक कर लें बच्चे को पिलाने से पहले, और उसके बाद आप लोग जो है बच्चे को इसको पिला सकते हैं। अगर बाई चांस जो है जो आप लोगों ने मिल्क पाउडर तैयार किया है वो पूरा कम्प्लीट फिनिश ना हो बच्चे के द्वारा, तो उसको कोशिश करनी है कि विद इन 2 आवर के अंदर अंदर जो है वो बच्चा उसको कंज्यूम कर ले, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि कुछ माइक्रोवेल डेट्रियोरेशन जो है वो सेटअप हो जाती है उस मिल्क के विष में। तो उसके बाद अगर बच जाता है 2 घंटे तक जो है, अगर बच्चा फिनिश नहीं करता है उसको, तो उसके बाद आप लोगों को उसको जो है डिस्कार्ड कर देना है, उसको पिलाना नहीं है। तो आप लोगों को फीडिंग टेबल के विष में कंसल्ट करके ही जो है इस मिल्क पाउडर को तैयार करना है। तो अगर बच्चे की एज जो है वो फर्स्ट वीक में है, जो फिर सेकंड वीक का 2 हफ्तों का बच्चा हुआ है, तो उस दौरान आप लोगों को 90 ml जो नॉर्मल वाटर होगा, जो आप लोगों ने 5 मिनट तक पानी गर्म किया होगा, उसको नॉर्मल होने देना है। फिर उसके बाद जो 90 ml वाटर जो उसको मेज़र कर लेना है बॉटल के बीच में, उसके बीच में आप लोगों को 3 स्कूप जो होंगे इस मिल्क पाउडर के, तो उसको जो है डाल देना है। अगर बच्चे की एज जो है वो अगर 3rd वीक में है, या फिर 4th वीक का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा हो चुका है, तो उस दौरान आप लोगों को 120 ml जो है वाटर लेना है, और उसके बीच में 4 स्कूप जो है मिल्क पाउडर के डालने हैं। अगर बच्चा जो है 2 मंथ का हो चुका है, तो उस दौरान आप लोगों को 150 ml जो है वाटर लेना है, और उसके बीच में 5 स्कूप जो हैं इस मिल्क पाउडर के डालने हैं। अगर बच्चा जो है 3rd या फिर 4th मंथ के बीच में है, तो उस दौरान आप लोगों को 180 ml जो है वाटर के बीच में 6 स्कूप जो है इस मिल्क पाउडर के डालने हैं। अगर बच्चा जो है 5th या फिर 6th मंथ के बीच में है, तो उस दौरान आप लोगों को 210 ml जो है वाटर लेना है, और उसके बीच में 7 स्कूप जो है इस
मिल्क पाउडर के डालने हैं। आप लोग जो है जब भी इस मिल्क पाउडर को तैयार करें तो उस दौरान आप लोगों को जो है बहुत ही साफ सफाई का जो है ध्यान रखना है, केयरफुल वे से और हाइजीनिक प्रेपरेशन करनी है इन्फेंट मिल्क की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और एसेंशियल होता है बेबी की हेल्थ के लिए। आप लोगों को किसी दूसरे स्कूप का यूज़ नहीं करना है, जो स्कूप जो है इसके बॉक्स के बीच में आप लोगों को मिलेगा तो उसी को आप लोगों को यूज़ करना है, ना उसे ज़्यादा स्कूप्स डालने हैं और ना उसे कम स्कूप डालने हैं। जैसे फीडिंग टेबल के ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों को उसी तरह से जो है प्रेपरेशन करनी है। अगर हम लोग जो है की इंग्रेडिएंट की बात करें जो कि इस मिल्क पाउडर के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बीच में है जैसे कि मिल्क सॉलिड फॉर्म में जो है इसके बीच में प्रेजेंट होता है, डीमिनरलाइज्ड वे प्रेजेंट होता है, सोयाबीन ऑयल, कॉर्म ऑयल, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसके बीच में सोया लेथिसिन प्रेजेंट होता है, ARA प्रेजेंट होता है, आर्चियोडोनिक एसिड जो कि होता है, और साथ में ही DHA प्रेजेंट होता है जो कि डकोसा हेक्सा एयोनिक एसिड जो है होता है, और साथ में ही इसके बीच में हाई ओलियोइक सनफ्लावर ऑयल भी प्रेजेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसके बीच में मिक्स्ड टोकोफिरोल कंसंट्रेट प्रेजेंट होता है, और साथ में ही इसके बीच में एल एस्कोरबाइल पॉलमेट प्रेजेंट होता है, एसिडिटी रेगुलेटर के तौर पे इसके बीच में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ही टॉरिन और न्यूक्लियोटाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप लोग जो है इन्फेंट के फूड को चूज करने का सोच रहे हो तो उस दौरान आप लोगों को अपने हेल्थ केयर वर्कर की जो है एडवाइस ले लेनी है और प्रॉपर मेथड से जो है उनको यूज करना है। बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जे नॉनप्रो वन जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसके बीच में मिनरल्स और साथ में ही सफिशेंट सप्लीमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फेंट्स में। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें, 400 ग्राम का पैकेट जो है जो आप लोगों को 650 रुपये का मिलेगा। जब कभी भी आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदें। ये प्रोडक्ट जो है जो एक गुड प्रोडक्ट है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। अगर माँ के बीच में अगर सफिशेंट मिल्क जो है प्रेजेंट ना हो और बच्चा जो है उसको पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड ना हो और उसकी भूख जो है वो कंप्लीट ना हो, तो उस दौरान आप लोगों को जो है इस मिल्क पाउडर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, तो उस चीज़ को आप लोगों को कभी भी इग्नोर वगैरह नहीं करना है। तो आप लोग जो है इस नॉन प्रो वन इन्फेंट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं अप टू 6 मंथ तक। तो उसके बाद जो है इसके अलग स्टेजेस हैं, नॉन प्रो सेकेंड थर्ड फोर्थ, उनको भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। तो माँ का मिल्क जो है वो बेस्ट होता है बेबीज़ के लिए, लेकिन जब माँ के मिल्क में सफिशेंट क्वांटिटीज जो है वो प्रेजेंट ना हो तो उस दौरान आप लोग जो है इन मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं।